नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पुलिस कप्तान द्वारा विभिन्न अपराधों को रोकने चलाई जा रही मुहिम के दौरान कोतवाली पुलिस ने किया नकबजी और चोरी का खुलासा। एक साल से जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने उगले नकबजनी और चोरी के राज न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। अपराधियों से 16 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, मोटरसाइकिल, LED सहित अन्य 10 लाख का सामान किया बरामद। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छोटी बाजार में जेवरात खरीदी बेचने की योजना बनाते समय धर दबोचा। आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ बबलू पिता नौकेलाल चौरे, जगदीश पिता महासिंह चौरे, नीरज पिता कन्हैयालाल वर्मा को किया गिरफ्तार। कोतवाली में एक देहात थाना में 3, कुंडीपुरा में 3, अमरवाड़ा और चौरे में 1-1 चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक अग्रवाल और CSP अशोक तिवारी के मार्गदर्शन में कोतवाली TI मनीष राज भदौरिया के नेतृत्व में SI राघवेंद्र उपाध्याय, PSI हर्ष नागले, आरक्षक राहुल शर्मा, उत्तम सिंह, शेर सिंह, रविंद्र पवार और साइबर सेल के आरक्षक आदित्य रघुवंशी नितिन ने चोरी का खुलासा किया है। SP ने पूरी टीम की सराहना करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। कुंडीपुरा थाना देहात और ग्रामीण क्षेत्र के भी चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा क्षेत्र की चोरियों का खुलासा हुआ है और ऐसे 8 मामलों में घटित घटनाओं को पुलिस ने इसमें माल और आरोपियों को गिरफ्तार करके सफलता प्राप्त की। और भी आरोपी इसमें अभी तक हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ और चल रही है। यदि और कोई नए तथ्य सामने आएंगे, इनके यदि कोई और साथीदार होंगे तो उनके ऊपर भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।